सूबे में शराबबंदी के बाद नशीले पदार्थों के सौदागर हर रोज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है। इस संबंध में भागलपुर के नगर पुलिस उपाधीक्षक राजवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि जिले के इसाकचक थाना अंतर्गत एक झोपड़पट्टी से पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए 732 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। इसके साथ ही सिटी डीएसपी ने बताया कि मौके से पुलिस ने भीखनपुर निवासी छोटू रविदास को दबोच लिया है। दूसरी ओर सिटी डीएसपी ने बताया कि पिछले कई आपराधिक कांडों में फरार कारू यादव को बरारी थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने इसाकचक थाना की पुलिस के सहयोग से जांबाजी के साथ सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए मधु चौक से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, एक गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। और इसका भाई अभय यादव पिछले दिनों गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया था। ये दोनों लोग मर्डर, हत्या, डकैती और रंगदारी के मामलों में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। कारू यादव की बहुत सारी शिकायतें थी, तो मधु चौक से एक पिस्तौल, एक गोली और एक मोटरसाइकिल के साथ इसाकचक थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी हुई है और करीब दर्जन और मामलों में इसकी संलिप्तता पाई गई है।